आज है 7th मार्च, बट हम एक घंटे पहले ही इसको बीच में रखते हैं, केक कट करने वाले हैं, बिकॉज आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और छोटा सा व्लॉग मैं डालूंगी। तो यहाँ भाई बहन का प्यार देखो, केक भेजा गया है, केक और ये लेटर प्यारे एक घंटे पहले रिसीव हो गया। क्या लिखा है मैसेज में, ये देखिए, ये पढ़िए, सो स्वीट ऑफर, नजर ना लगे किसी की। ऐसे ही चलता रहा। देखो ये प्लानिंग बताई जा रही है कैसे कैसे केक ऑर्डर हुआ। हाँ, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, इन्होंने केक ऑर्डर किया है और बिना बताए। ये देखिए केक कट हो रहा है। मैच बॉक्स तो है नहीं हमारे पास अभी, तो हमें किचन से मिल सकती है ना, लेके आऊँ? लेके आ तो पकड़ो, आपका बर्थडे आप ही जाओगे। तो मैं ही जाऊँगा। केक जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने ऑर्डर किया है, काफी दूर से आया है, तो देख सकते हैं आप अपने बालों को निखारते हुए। वो जीजू, ये उनकी तरफ से केक है जो कि हमें अभी अभी रिसीव हुआ है। और ये चल रही है केक कटिंग से पहले। मैंने 32-33 साल से छुपा के रखा था, इवन मेरा बच्चा भी हो चुका है। कैंडल कैसे जलानी है, क्या कर रहा हूँ, फाट करता हूँ, वो भी जलेगी। मैच बॉक्स नहीं है ना, मुझे पहले बताओ। फाइनली हम केक कट करने जा रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे जीजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to me, happy unko glass ash unko dena, जब हम लोग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। ये व्लॉग में चलेगा, डूम डाक। एक्चुअली उनका छोटा बेबी है, तो वो बता रहे हैं उसके बारे में कि वो क्या कर रहा था जब हम लोग केक कट कर रहे थे।